हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ के रिजल्ट, आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट आए हैं जो कि मैं एक या दो वीडियोज़ में कवर अप करूंगा। तो अभी तीन कंपनी के रिजल्ट मैं आपको पेश करने वाला हूं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर इंडिया मार्ट जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाला स्टॉक है, तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे। ओके, उन्होंने क्या डिविडेंड दिया है और किस कैसे रिजल्ट रहे हैं, तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है, देख सकते हैं कि बोनस, एक कंपनी है जिसने बोनस दिया और दो साल में दूसरी बार ये बोनस अनाउंस करने जा रही है। तो इस बात को इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। एज वेल एज कल की डेट में यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस रिजल्ट से रिलेटेड, जोमेटो के आईपीओ से रिलेटेड और क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जो झुनझुनवाला सर की एडवाइस है उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन होगा। और अगर आप श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है आपको बताइए, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान देना चाहते हैं आप दान दे सकते हैं, दान देना एक पुण्य का काम होता है। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यहाँ पर नंबर आते हुए नजर आए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहने वाला भी स्टॉक भी है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट बैंक, शायद ये प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर, इससे रिलेटेड मैंने ये सोचा कि इससे रिलेटेड वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डेज कैपिटल इन एग्रीगेट अप टू, मतलब 5,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट का ये शायद पैसे यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बाई FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो इसके थ्रू यहाँ पर अगर बात करें और इसके रिजल्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते, देख लीजिए स्टैंड अलोन यहाँ पर रिजल्ट दे रखे और रुपीज़ इन लैक्स में यहाँ पर अर्निंग है। सीधे यहाँ पर जल्दी जल्दी वीडियो कवर करेंगे। यहाँ पर अगर देखते हैं टोटल इनकम, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, ओके, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम बैलेंस, जो उनके रिजर्व बैंक्स में जो पैसे रखे रहते हैं उधर से जो उन्हें पैसे मिलते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखते हैं, अदर इनकम को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते बट स्टिल अदर इनकम का इफेक्ट टोटल इनकम में पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये इस बार के रिजल्ट है, ये Q3 के रिजल्ट है और ये Q4 के रिजल्ट है लास्ट टाइम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार के रिजल्ट लगभग 4,33,299 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3,57,000 था और उससे पहले 3,19,000 था। तो अगर बात करें क्वार्टरली वाइज एज वेल एज एनुअली वाइज, यहाँ पर अच्छी खासी जंप है टोटल इनकम में। ओके, तो जो कि अच्छी बात है। और टोटल इनकम में जंप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर ज़्यादा होती हुई नजर आई है ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे भी। तो इस बात को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। तो उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर भी होता हुआ नजर आया, जो कि 2,79,330 रुपीज़ का यहाँ पर एक्सपेंडिचर है इस बार का, जो लास्ट क्वार्टर में 267 के लगभग था और उससे पहले Q4 में 263 लाख रुपीज़ में यहाँ पर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंस होता हुआ नजर आया था, जो कि क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली वाइज इस बार सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट NPAT आफ्टर, जो हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर अभी जो प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है 16,508, जो कि लास्ट क्वार्टर में 15,408 था और अगर लास्ट ईयर की बात करें Q4 में तो 57 लाख रुपीज़ था, जो कि ईयरली वाइज तो देखिए काफ़ी अच्छी जंप है, लगभग 3 गुना यहाँ पर पैसा ज़्यादा होता हुआ नजर आया है प्रॉफिट। और ईयरली क्वार्टरली वाइज भी बात करते हैं तो लगभग 1100 लाख रुपीज़ यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नजर आया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम और भी कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर NPA से रिलेटेड, तो ग्रॉस NPA की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट Q4 में 12.81% का यहाँ पर ग्रॉस NPA था, जो कि इस 7.23 है और लास्ट टाइम 7.69 था Q3 में। तो क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और सेम अगर नेट NPA की अगर बात करते हैं तो वो भी लगभग हाफ होता हुआ नजर आ रहा है इस बार, और लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई है। तो ये सबसे अच्छी बात है अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर एन पी
पीएटी, अगर ईपीएस की बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ देख सकते हैं ईपीएस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 25 पैसे का ईपीएस है, लास्ट क्वार्टर में 23 था और उससे पहले Q4 में तो 10 पैसे का ईपीएस था। तो कंपनी ने मतलब बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट पेश करे हैं, तो यहाँ पर आप इस कंपनी के साथ रह सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट की ज़्यादा होता हुआ क्यों नज़र आया, जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा हम दूसरी तरफ आ जाते हैं इंडिया मार्ट के, इंडिया मार्ट के रिजल्ट आपके सामने हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने डिविडेंड दिया है, सबसे पहले देख सकते हैं 15 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए नजर आया है, 15 रुपये पर इक्विटी शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कब आ जाएगा, तो डिविडेंड विल बी पेड ऑन द 5th वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड बाई द शेयर होल्डर। मतलब पहले वहाँ पर शेयर होल्डर से परमिशन लेंगे, एवं परमिशन मिल गई तो वहाँ पर 5th वर्किंग डे में यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आ जाएगा। तो उसके जब भी आएगा तो आप यहाँ पर NSE की साइट पर जाके आप देख सकते हैं, एक्स डेट वगैरह यहाँ पर सब चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर सीधे इनके बिजनेस यहाँ पर रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर रिजल्ट की तरफ आते हैं तो ये देख सकते हैं मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर रिजल्ट है, और यहाँ पर स्टैंड अलोन या फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Q4 के रिजल्ट है लास्ट टाइम के, ये Q3 के रिजल्ट है इस टाइम के, और ये Q4 के रिजल्ट है इस टाइम के। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि सबसे मेन होता है उसे देख लेते हैं, 70-90 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर रिवेन्यू होता हुआ नज़र आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर अगर बात करें तो 1729 था, उससे पहले 1658 था। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, देखिए मेन इनकम यही होती है, बट टोटल अदर इनकम का यहाँ पर टोटल इनकम में इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जो कि अगर बात करें इस बार कम था उससे पहले क्वार्टर में, और उससे Q4 में लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के क्वार्टर में यहाँ पर ज़्यादा अच्छा खासा यहाँ पर अदर इनकम थी, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर साफ पड़ता हुआ नज़र आएगा। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं 1853 करोड़ रुपये का यहाँ पर 1853 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम है, लास्ट क्वार्टर में 1974 थी, और अगर बात करें 1831 यहाँ पर Q4 में थी लास्ट ईयर के। तो यहाँ पर Q4 के हिसाब से तो जंप है, बट इतनी कुछ खास जंप नहीं है, इक्वल कह सकते हैं कि बराबर ही है। और बट अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, ओके Q3 के बेस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी, जो कि अच्छी बात नहीं होती, बट स्टिल जो भी इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पर अदर इनकम की तरफ पड़ रहा है। एक्सपेंसेस देखते हैं तो एक्सपेंसेस यहाँ पर देखिए इस बार के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दिए, 976 के एक्सपेंस होते हुए दिखाई दिए, जो कि क्वार्टरली वाइज तो बड़े हैं, बट ईयरली वाइज यहाँ पर कम होते हुए नजर आए, जो कि ईयरली के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। अगर बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर आप देख लीजिए, तो जो अभी का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया 542, जो Q3 का था 850 और उससे पहले था 400, तो ईयरली वाइज तो यहाँ पर लगभग 142 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर जंप दिखाई दिया है, बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर काफ़ी गिरावट नज़र आई है, तो इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर टैक्स इम्पैक्ट रिलेटेड टू चेंज इन द टैक्स रेट एंड लॉ, यहाँ पर ये भी एक्स्ट्रा यहाँ पर कटता हुआ हमें नज़र आया, तो इसको भी भूलना नहीं चाहिए, जो कि पिछले सालों में कभी नहीं था, यहाँ पर आप देख लीजिए। हाँ, तो ये सब चीज़ है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ इस चीज़ का इफेक्ट था। तो रिजल्ट अगर ईयरली वाइज देखा जाए तो ईयरली वाइज अच्छे रिजल्ट है, बट क्वार्टरली वाइज इतने खास नहीं है। तो यहाँ पर ईपीएस में भी आप देख सकते हैं सेम चीज़, अगर यहाँ पर आप ईपीएस देखते हैं बेसिक, तो 18 रुपये 31 पैसे का ईपीएस इस बार का है, जो कि Q3 में 2800 रुपये के आसपास था और Q4 में लास्ट ईयर 13 रुपये। तो ईयरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी जंप है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट हमें नज़र आ रही है, जो कि कल मार्केट में शायद इसका इम्पैक्ट भी हमें नज़र आ सकता है। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी और चीज़ों की, तो एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ पर आपके सामने है। एक्साइड इंडस्ट्री काम क्या करती है, दो बिजनेस में, एक इंश्योरेंस बिजनेस में जो कि वो अपना बेचना चाहती है शायद, और अगर बात करें दूसरा तो बैटरीज, एक्साइड की बैटरीज आती है जो इनका मेन बिजनेस है, ओके, उससे रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो इसके अब रिजल्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, नीचे थोड़ा सा शायद रिजल्ट होंगे, यहाँ पर देख लीजिए। ओके, स्टैंड अलोन रिजल्ट ही आपके सामने है, ये करोड़ रुपीज़ इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट नज़र आ रहे हैं आपको। ओके, ये इनका प्रिंट कुछ खास नहीं है, तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 3 मंथ्स, ये Q4 का रिजल्ट है लास्ट ईयर का, ये Q3 का इस बार का, और ये Q4 का रिजल्ट इस बार का है। सीधे टोटल इनकम पे आते हैं हम, तो टोटल इनकम में आप देख सकते हैं 2962 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नज़र आ रही है, लास्ट Q4
Q3 की बात करें तो 2821 थी, और यहाँ पर Q4 की अगर हम बात करें Q4 लास्ट ईयर की, तो 2071 करोड़ रुपए की यहाँ पर इनकम थी, जो कि क्वार्टरली वाइज एज वेल एज ईयरली वाइज यहाँ पर जंप नजर आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस देख लेते हैं, अगर टोटल एक्सपेंस देखते हैं तो 2632 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है। अगर बात करें Q3 की, 2500 करोड़ के आसपास है, और 1882 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर था। तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी जो अच्छी बात नहीं होती। फिर भी अगर यहाँ देखते हैं NPAT सीधे देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देख लीजिए 244 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया इस बार, और 241 करोड़ का प्रॉफिट Q3 में था, और 168 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहां पर लास्ट ईयर था। देखिए ईयरली वाइज तो यहां पर अच्छी खासी जंप नजर आई है, बट क्वार्टरली वाइज भी यहां पर जंप है, बट इतनी खास जंप नहीं है, मतलब फ्लैट कह सकते हैं एक तरीके से। और इसका इफेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं ईपीएस में, तो ईपीएस अभी का लगभग 2.87 रुपीस का है, लास्ट क्वार्टर में 2.84 का था, और अभी की बात कर लास्ट Q4 की बात करें तो 1.97 है। तो इसके रिजल्ट फ्लैट ही आए हैं, ईयरली बेसिस पे अच्छे खासे रिजल्ट है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहां पर इतने कुछ एक्साइटेड रिजल्ट नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कल मार्केट में किस तरीके का बिहेव करेगा ये शेयर, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ टेक्निकल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो देखिए न्यूज़ में रहने वाला है, तो इसे ये कब ये बढ़ भी सकता है, जब तक न्यूज़ नहीं आती जब तक प्राइवेट नहीं होता, और एक बार अगर प्राइवेट हो गया ये बैंक तो ये भागता हुआ नजर आएगा अच्छा खासा, ओके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका इम्पैक्ट। दूसरे जो शेयर है वो गिरते हुए नज़र आया, बट इस पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा हम देख लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो ये शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 217 पे यहाँ पर शेयर यहाँ पर चल रहा था, ओके, आज की डेट में भी यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट है, ओके, और 44 के RSI पे चल रहा है ये स्टॉक। तो इसे जब भी आपको बाय एंड डिप्स करने का मौका मिले तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसका कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा अमारा राजा बैटरी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जो कि जिसका केवल और केवल बिजनेस क्या है, केवल यही बिजनेस है बैटरीज का, बट ये बिजनेस क्या करती हुई नजर आती है, इंश्योरेंस एज वेल एज ये बैटरीज के बिजनेस में भी है, जो कि अमर राजा बैटरी इससे ज़्यादा कुछ अच्छी ज़्यादा नज़र आती है एक्साइड इंडस्ट्रीज से। तो फ्यूचर में आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ये दोनों कंपनी सबसे ज़्यादा मेन फोकस में रहेगी, एज वेल एज टाटा की इस कंपनी। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा शेयर इंडिया मार्ट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट से रिलेटेड, तो इंडिया मार्ट तो ऑल टाइम ऑलरेडी हाई पे चल ही रहा है आपको बताइए, और काफ़ी टाइम से इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये शेयर तो देखिए अच्छा शेयर है, डिजिटल से रिलेटेड शेयर है, बट ये शेयर बहुत ज़्यादा भाग चुका है, कभी भी बोनस भी अनाउंस कर सकता है, बहुत सारी पर्टिकुलर न्यूज़ भी आ सकती है, इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे तब इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अभी बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले तब करिएगा, अदरवाइज बाइंग सेलिंग की मेरी तो कोई रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डेफिनेटली एडवाइस लीजिए और खुद की स्टडी करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।